Hello viewers, I am your host Akash at Gabe Suggestion and I give my suggestions on hackers. Let's play. Hello everyone, तो आज देखेंगे एक ट्रेनिंग शॉर्ट वीडियो होगा ये वर्म का। तो हमने वर्म को बिल्ड कर लिया है, ये मैसेज भी आ चुका है, तो स्ट्रेटली हम चलते हैं वर्म ट्रेनिंग को देखते हैं। कुछ क्रेडिट्स हैं जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। ये हमें टिप्स दे रहा है कि वर्म्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और वर्म कैसे टारगेट को ओवरटेक करता है। मेनली वर्म एक इस टाइप का आप हैकिंग टूल है, जिसमें क्या होता है कि आप एक वर्म को थ्रो करते हो एक नोड पर और वो अपने आप को ना मल्टीप्लाई करता रहता है। आप आगे देखोगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक वर्म से स्टार्ट किया है, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने एक नोड पे एक वर्म सिर्फ थ्रो किया है और जैसे ही ये वर्म उसको टेक डाउन करेगा, ये देखना एक वर्म अपने आप को दो वर्म में कन्वर्ट कर लेगा। मैं वर्म को प्लेस नहीं कर रहा हूँ, वर्म अपने आप को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहा है। और ये इसका बेनिफिट है। वर्म का जो मेन मकसद है ना वो यही है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। और वर्म के साथ अटैक करने में ना एक प्रॉब्लम आता है, ये काफ़ी स्लो है। एक छोटे नेटवर्क के लिए अच्छा है या एक ऐसे नेटवर्क के लिए अच्छा है जहाँ पे मैस हो नेटवर्क के अंदर, बट इसे एक इंडिविजुअली सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम लोग बीन कैनन को इस्तेमाल करते हैं, वर्म को इंडिविजुअली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे देख रहे हो आप, मैं यहाँ आइस वॉल के साथ मैं वर्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वर्म अपने आप को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगाता है। जैसे कि नेक्स्ट नोड में देखो आप, ये वर्म ने उसका टेक डाउन तो कर लिया है, बट ये देखो अब वन बाय वर्म अपने आप को स्प्रेड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इमिडिएटली अपने आप को स्प्रेड कर ले, जिसके लिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो वर्म एक सपोर्टिव टूल है, जब हमें बहुत सारे नोड्स को टेक ओवर करना होता है और हम नहीं चाहते कि हर नोड को पर्सनली हम लोग जाके बीन कैनन या सरिकन या कोई भी अदर प्रोग्राम को इंस्टॉल करें, तो एक वर्म किसी भी नोड पर छोड़ दो, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा। बट हाँ, अगर हाई लेवल का उस पर सेंट्री है और उसमें एंटीवायरस को स्प्रेड कर दिया है, तो वर्म टोटली वेस्ट है ये, क्योंकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने से पहले ही उस नेटवर्क को, उस नोड को खो देता है। जैसे देखो आप राइट साइड में ये जो सेंट्री है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है वर्म, और आधा फायरवॉल इसका लॉस हो गया था। मैंने आइस वॉल डाल दिया इस पर, अब उस टाइप का जो सेकंड सेंट्री था उसका भी वही हाल है। ये देखो वो अपने आप को लॉस कर रहा है, क्यों? उतनी देर तक ये वर्म अपने आप को स्प्रेड नहीं कर रहा है। तो ये वर्म का एक नेगेटिव पॉइंट है, और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक वर्म अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है कंटिन्यूस वे में, उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर सेंट्री ना हो किसी नोड, किसी भी आप किसी को हैक करने जा रहे हो और उसमें सेंट्री नहीं है, यानी अगर वो एंटीवायरस को स्प्रेड नहीं कर रहा है, तो उस समय में वर्म एक काफ़ी अच्छा टूल है। क्योंकि अगर सेंट्री ना हो तो वर्म फिर ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे नेटवर्क को टेक ओवर कर लेगा, और काफ़ी ठीक ठाक टेक ओवर कर लेगा, थोड़ा स्लो करेगा बट टेक ओवर करेगा। ये कोर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ऐसे कोर को डाउनलोड करने के लिए हमें डाटा लीच भी दिया था, बट ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा ट्रेनिंग था जो मुझे आपको दिखाना था। ओके।